पंजाब में 1 मार्च से 17 मार्च के बीच कोरोना के केस 4 गुना बढ़ गए हैं। 1 मार्च को कोरोना के मरीजों की संख्या 500 थी, जो 17 मार्च को बढ़कर 2045 हो गई। राज्य में गुरुवार को एक ही दिन में 39 मौतें दर्ज की गई। पंजाब में कोरोना के कारण गुरुवार को 32 मरीजों की मौत हुई, जबकि बीते 24 घंटे में 2387 नए केस सामने आए। राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 6204 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस समय कोरोना के 14366 मरीजों का इलाज हो रहा है। इनमें 274 मरीज ऑक्सीजन और 21 वेंटिलेटर पर हैं। बीते 24 घंटे में जिन 32 लोगों की मौत हुई, उनमें होशियारपुर जिले के 8, जालंधर के 6, अमृतसर और लुधियाना के 4-4, गुरदासपुर, रोपड़ और नवाशहर के 2-2 और बरनाला, कपूरथला, पटियाला और संगरूर के 1-1 मरीज शामिल हैं। पंजाब के जालंधर जिले में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को करीब 6 महीने के बाद जालंधर में 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। यहां 24 घंटे में 510 नए मामले सामने आए और 5 मौतें दर्ज हुई। जालंधर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर टीपी सिंह के अनुसार केसों में बढ़ोतरी होने के पीछे लोगों की लापरवाही ही है। वो पहले कोरोना के नियमों का पालन कर रहे थे, वो इस बारे में जागरूक भी थे, लेकिन अब बचाव के उपाय नहीं करते, इसलिए लगातार केस बढ़ रहे हैं। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।